वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन का एक टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखो, सबसे पहले हम अगर हम नंबर्स की बात करें तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, अगर आप इनको एक बॉक्स में बंद कर ले या इनको इकट्ठा कर ले तो ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल। रियल नंबर्स में आपके रेशनल भी आते हैं और इरेशनल। अगर आपसे पूछा जाए रेशनल और इरेशनल, तो देखो रेशनल नंबर्स तो की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके रेशनल। अब इरेशनल कौन से होंगे? ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है, यानी अगर आप उनको p अपॉन q फॉर्म में ना लिख पाओ, यानी उनके लिए p और q इंटीजर्स नहीं होंगे, तो उस केस में आपके जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल्स होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, जो नंबर रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकते। जैसे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल आपकी ये इस टाइप के 10/3, 7/8, 1, मतलब आप सिंपल नंबर्स लिख दोगे तो भी ये आपके रेशनल है क्योंकि इनके अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में। और वही अगर आप इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखो तो इरेशनल के एग्जांपल होंगे आपके अभी तक जो आपने पढ़े इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल, वो आएंगे स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, स्क्वेयर रूट 5, यानी स्क्वेयर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है तो वो सभी क्या होंगे? इरेशनल। अभी तक इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने इतना ही जाना, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि भाई दो नंबर्स के बीच में इरेशनल निकले हैं तो आप स्क्वेयर रूट पे तो हर बार आप पहुंच नहीं सकते। तो देखो आज हम सिखाएंगे कि आप कैसे दो नंबर्स या तीन दो नंबर्स के बीच में जितने चाहे उतने इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए इस वीडियो में बने रहे। देखो सबसे पहले देखो अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 1.23, ये आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन है, या मैंने लिख दिया 1.252525 एंड सो ऑन, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना, और डेसिमल फॉर्म मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, क्योंकि देखो आप इनका जो डिनोमिनेटर चेक करोगे 1.23 को आप 123/100 लिख सकते हैं। तो ये इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख देते तो ये आपका है डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आप क्या पढ़ोगे? इनकी डेसिमल फॉर्म किस टाइप की होती है? रेशनल के केस में, इरेशनल के केस में। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने एग्जांपल्स ले लिए 10/3, 7/8, तो देखो अगर हमें इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इनको डिवाइड करेंगे। तो चलो देखो करते हैं, तो कितने पर जाएगा? 3 पर, 9 आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब नहीं डिवाइड कंप्लीट हुआ तो डेसिमल लगाएंगे 0, फिर 3 पर 9। तो आप देख रहे हो हर बार 1 आता जा रहा है, यानी कि आप को अगर क्वोशेंट कहा जाए इसका 10/3 का तो आपके पास आएगा, तो देखो 10/3 का अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाए तो क्या आएगा? 3.3, फिर जब आप 0 लगाओगे तो फिर 3, फिर 3, इस तरह आता चला जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हर बार 3 आता रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/3 इज इक्वल्स टू 3. जो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। देखो रिपीट कौन हो रहा है? 3, तो 3.3 और उसके ऊपर बार। अब देखो दूसरा केस देखो, जब आपके पास 7/8 है तो 7/8 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 8 को 7 से। तो पहले तो डेसिमल जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 7/8 से छोटा नंबर है। अब डेसिमल लगा कर अगर आप 0 लेते हो तो कितने पर जाएगा? 8 पर, 64, कितना आएगा? 6, फिर 0 लगाएंगे, अब कितने पर जाएगा? 7 पे, 56, अगेन 0 एंड अब आएगा 5। तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें 7/8 का तो हमारे पास आया 0.875, ठीक है।
अब देखो दोनों पी अपॉन क्यू फॉर्म थी, बट दोनों केस में रिजल्ट आपको डिफरेंट मिल रहा है। हमने टेन अपॉन थ्री लिया तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया समथिंग 3.333 एंड सोन। ये जो तीन डॉट्स होती है उसका मतलब होता है एंड सोन, यानी आगे तक ऐसा ही चलेगा बार। और जब आपने 7/8 लिया तो आपके पास आया 0.875। तो देखो इस डेसिमल एक्सपेंशन में और इस डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ फ़र्क है, क्या फ़र्क है? देखो ये चलता रहेगा, ठीक है, यानी ये कभी भी रुकेगा नहीं, और नहीं रुकेगा तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वाला रुक गया है इसलिए कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रहा तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और ये नहीं रुका इसलिए क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट आपने एक चीज़ और नोट की, इसमें नंबर रिपीट भी हुआ 3333 एंड सोन, ये यात्रा हर बार 3, तो इसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो केस आए, फर्स्ट जिसमें रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है, जब आप डिवाइड करते चले तो रिमाइंडर 0 बन गया, जैसे 7/8 में 0.875 आया। ऐसे ही अगर 1/2 को देखें तो 0.56, 39/250 देखें तो 2.556। तो इन सब केस में आप देख रहे हो कि रिमाइंडर 0 बन रहा है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इस एक्सपेंशन को आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे क्योंकि टर्मिनेट हो चुका है डेसिमल के बाद, ये रुक चुका है, ठीक है। बट वही अगर आप 10/3 या 1/7 इनके केस में देखें तो यहाँ पर ये जो डेसिमल है कंटिन्यूस चलती रहेगी, रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस केस में एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और देखो रिपीट हुआ है तो इसको देखो रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं आप, तो आप इसको कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। और जब भी रिपीटिंग होगा तो आप बार लगा देंगे, जैसे देखो 10/3 में 3.3 बार हो गया, ऐसे जब आप 1.7 को लेंगे तो ये आएगा देखो 0.142857, और उसके बाद फिर रिपीट होगा तो इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल नंबर हैव टू चॉइस, दो चॉइस होंगी आपके पास, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये चीज़ आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा केस टर्मिनेटिंग होगा कौन सा रिकरिंग होगा, ठीक है, हर बार डिवाइड करके ही पता लगाइए तो ज़रूरी नहीं, हमें तो कुछ और चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी। तो देखो मैं बताता हूँ क्या तरीका है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम अगर 1/2 को लेते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। बट वही अगर 1/3 को लें तो ये आएगा 0.333, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, तो यानी बार लग जाएगा। 7/8 को लें तो ये आएगा 0.875, बट वही 7/9 को लें तो ये आएगा 0.777, यानी 7 बार। तो देखो आप एक चीज़ नोट करो, हमने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में चेंज है, तो उस केस में आपका डेसिमल एक्सपेंशन चेंज हो रहा है, यानी जो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो न्यूमरेटर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, न्यूमरेटर कुछ भी हो डिपेंड किस पे करेगा? डिनोमिनेटर पे, आके आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आपका डिवाइजर क्या है, जैसा आपका डिवाइजर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो टर्मिनेटिंग, जैसे देखो ये दोनों टर्मिनेटिंग हुए और ये दोनों रिपीटिंग हुए। तो देखो ऐसी क्या खास बात होती है डिनोमिनेटर में कि वो या तो टर्मिनेट करवाए उसको या वो उसमें रिपीट करवाए। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपका एक पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा कोई भी रेशनल नंबर, तो जो अगर क्यू है, क्यू में केवल ओनली 2 के फैक्टर हो, 8, 16, मतलब केवल 2 के फैक्टर, जैसे 2 का फैक्टर 2 ही हो गया, 4 में 2 एंड 2 आएगा, 8 में 2, 2, 2, 16, 2, 2, ऐसे, या 5 के फैक्टर 5, 25, 125 ये हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 5 10 100 200, इस तरीके से, सॉरी 200 नहीं 1000, मतलब
केवल टू या फाइव के ही फैक्टर्स हुए अगर आपके क्यू में, तो उस केस में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वो टर्मिनेटिंग आएगा जब केवल टू और फाइव के फैक्टर होंगे तभी, अदरवाइज बाकी सभी केस में, इनके अलावा कोई भी अदर नंबर हुए जिसमें केवल टू और फाइव के फैक्टर नहीं बन रहे, तो उस केस में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर ली कि उसमें या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर इसके बारे में तो हमने कोई बात नहीं की। तो देखो, आप ध्यान रखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने जैसे लिख लिया 0.1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के बाद क्या आएगा, तो आप नहीं बता पाओगे कि 6 के बाद कौन से डिजिट आएगा। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं, और आपको अब इसका पैटर्न पता नहीं लग रहा। और अगला केस, इस ये एंड सो ऑन है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो ये नंबर अगर आपसे पूछ ले कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर का है? इरेशनल नंबर का। तो हमेशा ध्यान रखो, एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। 36 अपॉन 100, 1 अपॉन 11, 4 होल, 1 अपॉन 8, 3 अपॉन 13, 2 अपॉन, मतलब आपको बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे, किस टाइप के होंगे। अगर आपको केवल ये कहा जाए कि बिना डिवाइड किए चेक करो, तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसके फैक्टर्स चेक कर लो, बट ऐसा नहीं कहा कि बिना डिवाइड किए, तो आप इनको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट भी डेसिमल में लिख देते हो तो भी गलत नहीं। जैसे देखो फर्स्ट वाले ही देखो, 36 अपॉन 100, हमें पता है इसको डेसिमल में कैसे लिखना है। देखो अपॉन में 20 है, तो दो के बाद डेसिमल लग जाएगा 0.36। ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछे तो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स ही है, इसमें एंड सोन नहीं लगा। ऐसे अगर आपको 1 अपॉन 11 के लिए कहा जाए, तो देखो आप डिवाइड कर सकते हैं। देखो 11 से इसको डिवाइड करना है, तो अगर आप डेसिमल लगाते हो तो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा। अब भी इससे स्मॉल है, तो एक जीरो फिर लगाओगे, अब कितने पर जाएगा? 9 पर, 99। अब कितना रिमाइंडर बचा? फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? रिपीट हो रहे। तो इसको आपको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिख दोगे? 1 अपॉन 11 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.09। अब देखो रिपीट कौन होगा? 0 और 9 फिर रिपीट होगा, तो बार किस पे लग जाएगा? इस पर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना देखो, अगर बार लग गया तो कैसा हो गया? रिपीटिंग हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सॉरी रिपीटिंग रिपीटिंग लिख सकते हो या रिकरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको अगर आप मिक्स से अगर आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन 8, यानी कि 33 अपॉन 8। तो इसको डिवाइड करते देखो, 8 को 33 से डिवाइड करें, कितने पर जाएगा? 4 पर 32 1। आप तब तक डिवाइड करेंगे या तो रिपीट नहीं हो या वो टर्मिनेट ही हो जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखो 0 लगाएं, यहाँ पर कितने पर गया? डेसिमल लगाएं, 1, कितना आया? 2, अगेन 0, तो यहाँ पर जाएगा 2 पर 16। यहाँ पर 4 बचा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो फिर 0 लगाएंगे, तो अब कितने पर गया है? 5 पर, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? 4.125। देखो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 8 में केवल 2 के फैक्टर है, इसलिए इसका कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप क्या लिख दोगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 3। अब नहीं जा रहा डेसिमल, तो 0 लगाएंगे फिर डेसिमल, अब कितने पर गया? 2 पर, तो आएगा 26। कितना आ गया? 4, फिर 0 लगाएंगे,
अब कितने पर जाएगा, 3 पर, 39। आप जब तक ये रिपीट ना हो या टर्मिनेट ना हो, तो देखो 1 फिर चले करेंगे 0। अब देखो छोटा नंबर है तो 0 लगाएंगे ताकि ये अगला 0 आ गया यहाँ पर। अब कितने पर गया, 7 पर, कितना आ गया 91। कितने बचेंगे, 9, फिर 0। अब कित यहाँ पर भी 0 लग जाएगा तो कितने पर गया, 6 पर, 78। ठीक है, अब कितना बचा है यहाँ से अगर सबट्रैक्ट किया तो 12। नई रिपीट हो रहा, फिर करेंगे 0। अब कितने पर जाएगा, 9 पर, तो 117। अब कितना बचेगा, 3। देखो 3 से ही हम चले तो 3 आ गया, मतलब रिपीट होना शुरू हो गया, तो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें आपके माइंड में एक डाउट और होगा कि हम कब तक डिवाइड करें, क्या पता हमें 50 बार डिवाइड करना पड़े, 40 बार डिवाइड करना पड़े। तो आप एक चीज़ नोट कर लो, देखो ये जो 13 है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये रिपीट या तो इससे एक कम डिजिट यानी 12 स्टेप्स के बाद ये रिपीट होगा ही होगा, उससे पहले तो ज़रूर हो सकता है, वरना 12 पे तो ज़रूर रिपीट होगा। ठीक है, ये भी एक डिवीज़न की खास बात होती है कि आप जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, मान लो अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हो और आप करते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कभी रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं, रिपीट ज़रूर होगा, और या तो पहले ही हो जाए या इससे एक कम यानी 16th स्टेप पे तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, कभी रिपीट ही ना होगा, ऐसा कोई रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर कभी ना कभी तो वो रिपीट होगा ही होगा। तो देखो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखें तो क्या आएगा, देखो 3/13 आ जाएगा, 0.230789। उसके बाद रिपीट हुआ तो यहाँ पर पूरे के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो ये कैसा आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट है, इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो देखो इसमें तो 11 है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये रिपीट होगा, और इस वाले में देखो 400 है, इसमें केवल आपको 2 और 5 के फैक्टर मिलेंगे, इसलिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन ज़रूर निकालें और चेक करें। ठीक है, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखो, अब देखो जैसे आपके पास कोई डेसिमल नंबर आ जाए, जैसे 0.15, अगर आपको इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो 15/100, फिर कैंसिल आउट होकर आप लिख सकते हो 3/20, मतलब इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में इजीली तरीके से लिखा जा सकता है। तो बट अगर आपके पास मान लो ऐसे आ जाता तो आप कैसे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते, सॉरी पी अपॉन क्यू फॉर्म में, क्योंकि हम इसमें तो ये नहीं कर सकते कि हम 15/ समथिंग कर दें, हमें ऐसे तो कोई पता नहीं लगेगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसका मतलब तो ये है ना 1515 1515। जब तक हमें आखिरी नंबर ही नहीं पता तो हम कैसे इसको डेसिमल हटा के अपॉन में लिखें। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम एक ट्रिक यूज करेंगे ताकि हम इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएँ। तो देखो ट्रिक क्या है, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 0.6 बार, तो इसको हम करते हैं देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, 6 बार को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सॉरी पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब हम इस बार को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, तो हम इसको बार को अगर हटाएं तो हम क्या लिखें, 0.666 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, हमें इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखो, इसमें जितने नंबर के ऊपर बार होगा आप उतने ही 10 की पावर, यानी देखो अगर एक के ऊपर बार है तो आप 10 से करोगे, अगर दो नंबर्स के ऊपर बार है तो 10^2 यानी 100 से करोगे, अगर तीन के ऊपर बार हुआ तो 1000 से। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें एक के ऊपर ही बार था तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आप कर सकते हो ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो
इसको 10 से करेंगे तो 10x आ गया। जब आप इसको 10 से करोगे, देखो अगर आप किसी भी नंबर को 10, 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल उतना ही राइट में शिफ्ट होगा। देखो इसको अगर 10 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.666 एंड सोन। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये चौथा सिक्स कैसे आ गया, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिक्स आएंगे तो आप कितने भी सिक्स इसमें लिख सकते हो। अब देखो आपके पास क्या आया, 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सोन आया। अब देखो हमें इसमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें अगर आप 0.66 निकाले तो ये आएगा 6+0.666 एंड सोन, यही आएगा। और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी एक्स वैल्यू है। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 6+x, तो इस x को इस तरफ ले आए और इसमें से माइनस कर दो, तो 10x माइनस x कितना आ जाएगा, 9x इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9 यानी कि 2/3। यानी कि अगर आपके पास एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग में है, तो आप उसको पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो 0.6 बार का आंसर क्या आया, 2/3, ये इसकी पी अपॉन की फॉर्म में हो गया। आप चेक कर सकते हो, 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है, 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमें इसको करना है, तो यहाँ पर भी देखो मेक के ऊपर ही बार मिल रहा है, तो पहले वो स्टेप लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब बार है तो अभी हटा देते हैं हम इसको, एंड सो ऑन लगा देते हैं। ठीक है, उतनी बार 7 रिपीट होगा क्योंकि केवल 7 के ऊपर बार है, तो 7 ही रिपीट होगा। अगर ये पूरा ऐसे होता तो हम इसको लिखते 0.474747, बट ये केवल 7 के ऊपर बार है तो ऐसे ही लिखेंगे। अब मैंने कहा था जितने के ऊपर बार है उतने से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करें। देखो इस फर्स्ट को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10x, या पर एक डेसिमल शिफ्ट आगे होगा 4.77 एंड सो ऑन। अब देखो 4.77 में ये जो है, अगर आप देखो तो अगर आप इसमें चेक करो तो ये 4.3+0.4777 ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने इसमें डिफरेंस करके देख लिया, 4.7 में ये वाला पार्ट तो सेम हो गया, 7-4 3 एंड 4-0, तो ये 4.3+0.4777 एंड सोन आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास 10x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें x इस वैल्यू को वापस x में पुट कर दे, ताकि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ना ये ख़त्म हो जाए हमारे लिए। मेन टारगेट हमारा यही रहेगा कि जो डेसिमल वाला एंड सोन पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम इसको पी अपॉन की फॉर्म में बहुत ईजी तरीके से लिख पाएँ। तो ये क्या बन गया, देखो 10x इज इक्वल टू 4.3+x ये आ गया। अब देखो 10x इज इक्वल टू 4.3+x, एक्स को इस तरफ लिया है, 10x-x इज इक्वल टू 4.3, तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4.3/9। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 होगा इनटू में 9, यानी 43/90, दैट्स योर आंसर। ठीक है, वन बार, तो इसको हम वही कर लेते हैं, पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 बार, बार हटाएं तो देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था जितने के ऊपर बार होगा उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितने के ऊपर है, 3, तो यानी 10^3000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको भी और इसको भी, राइट दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, 3 राइट में, 1, 2, 3, यानी 1 के बाद आ जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1+, देखो ये 0.001 ये x ही है, तो इसको आपने लिख दिया x, तो 1000x इज इक्वल टू 1+x, x को इस तरफ ले आए माइनस कर दो, 1000x-x इज इक्वल टू 1, तो 1000 में से x घटाएं तो क्या आएगा, 999x/1, सो x इज इक्वल टू 1/999।
ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ कि अगर आपको मान लो जे आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, जैसे मान लो आपके पास डेसी ऐसे आ जाए बार फॉर्म में, और आपको कहा जाए कि बिना कुछ कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें, तो देखो जैसे पहला वाला है 0.8 बार इसको लिखना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके पास जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना, उतने ही आप 9 लिख देंगे। देखो इसको लिखना है 0.8 बार, तो अपॉन में देखो 8 और बार कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, तो यह आ जाएगा 8/9, यह इसका आंसर। ऐसे ही मान लीजिए आपको लिखना है 0.45 बार, तो 0.45 बार के लिए क्या जाएगा, देखो 45/ कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो उतने ही 9 लिख दीजिए नीचे, 99। अब आपको इतना ही नहीं छोड़ना है, अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/11। ऐसे ही 0.243, तो यह आ जाएगा 243/999, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते। बट अगर ये आ गया 0.57 बार, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास जो बार है वो सभी नंबर्स के ऊपर है, तो आप उसको हटाकर उतने ही अपॉन में 9 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, आपको तीन डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी लिखनी है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, देखो मैंने लिखा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, कुछ भी लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है। 2 पॉइंट यही सेम डिजिट्स लिख दो चाहे, ठीक है, ऐसे 3 डेसिमल करके ये सेम लिख दो। मतलब आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स है आपको कोई भी लिखने, तो आप ये ध्यान रखना बस रिपीट नहीं होना चाहिए और एंड सोन लगा देना, तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। और अगर आपको दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो कैसे नंबर है, ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब देखो 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11। आपने अभी तक रेशनल नंबर्स तो काफ़ी लिखे हैं, दो नंबर्स के बीच में कैसे करते थे, उनका डेसिम उनका डिनोमिनेटर सेम करते थे सबसे पहले, और उसके बाद आप क्या करते थे कि जितने नंबर्स चाहिए होते उनसे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप उनको कर लेते थे। बट जब इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो आपको ये पता है कि इरेशनल नंबर्स आपको या तो ऐसे पता है स्क्वेयर रूट में, स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, अब वो तो इसके बीच में ढूंढना पॉसिबल नहीं, तो फिर आपको पता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पर पहले इनका तो पता लगाएं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखो इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन डालने के लिए क्या करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, नहीं 0 पे इट है, तो 0.749 कितना आएगा, 1, 0, 1 कितना बचा, 3, फिर 0 लगाएंगे कितने पर गया, 4 पर 2, 8, फिर 2, 0, अब 2 पर 14, तो यहाँ से बचेगा 6, 0, तब तक करेंगे जब तक ये रिपीट ना हो या टर्मिनेट ना हो, तो ये 8 पे चला गया, फिर 4, फिर 0, 5, 35, देन वी गेट 5, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो आप इतना ही छोड़ देंगे। तो यह डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.714285 एंड सो ऑन, या इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब अगली क्या है आपके पास, क्या करेंगे, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, तो 11 को 9 से डिवाइड करें तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी डेसिमल कितने पर गया, 8 पर 88, कितना आ गया, 2, 0 कितने पर, 1 पर 9, फिर रिपीट हो गया, तो इतना ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, देखो बाद रिपीट हो रहा था तो हम लगा देंगे बार, और ऐसे ही 9/11 में रिपीट हो रहा था तो हमने लगा दिया बार। अब इनके बीच में आपको तीन इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो इरेशनल नंबर्स के लिए आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर देखो 7/1 है और ये 8/1 है, तो आप
थोड़ी देर के लिए बार को इग्नोर करो, 71 और 81 के बीच में आपको नंबर लिखना है, तो आप 72 से स्टार्ट कर दो, 0.72 इन दोनों के बीच में आएगा। अब उसके बाद आप कोई भी गिनतियाँ लिख सकते हो, नंबर्स 6, 7, 2 एंड सो लाइक दिस, ठीक है। 0.73245689 2 एंड सो। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए और एंड सो लगाना है। 0.73569 1 2 4 ऐसे लाइक दिस। तो ये जो तीन डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है और इनके बीच में है, तो इस तरीके से आप इनके बीच में तीन इरेशनल नंबर्स लिख पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे इस चैनल से। गुड लक।